एक और जहां कई वर्ग अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वहीं अब नेताजी सुभाष जन कल्याण संगठन ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार और आश्रित के लिए सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संगठन के लोग 21 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंदिर पर धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुमेर सांगवान ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर वे लोग सीएम से लेकर पीएम तक कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार को सम्मान देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए अब उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का संगठन किया था और आज़ादी का झंडा फहरा दिया था। हम उसी दिन को उनका उपलक्ष्य में और हम इन समस्त क्रांतिकारियों एवं आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के सम्मान के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं कि इनको उचित सम्मान मिल सके। इन सभी क्रांतिकारियों को आज तक सरकारों ने सरकारी दस्तावेज में कहीं पर कोई सम्मान नहीं दिया गया है। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।